आओ बेना, राम साधु जी कहां से आई बहना? खुरई में ही रहती? हां, बिना माइक के बोलो। पहली बार आए हैं? किसी को अपना विषय बताया तूने? नियम का पालन करेंगे बहन? पूछिए क्या बात। एक प्रश्न और। अच्छा हाँ, और कुछ पूछेंगे? हमने लिखा परिवार में सुख शांति, परिवार में सुख शांति रहेगी, आपके घर पर चिंता ना करें, मन के मुताबिक शादी करना चाहते हैं, परिवार मान नहीं रहा, पिता भी नहीं मान रहे, वह अन्य रिश्तेदार भी नहीं मान रहे, जिनसे जुड़ी हैं वो सही हैं, विवाह योग बनेगा, लव विवाह ही होगा, आशीर्वाद। अभी तैयारी आपकी शून्य है, बिल्कुल शून्य है, तैयारी बिल्कुल भी नहीं है आपकी जॉब के लिए, मन बहुत उच्चाटित है, बहुत ज्यादा बुद्धि आपकी विचलित है, तो अभी आप पहले तैयारी पर फोकस करें, बालाजी कृपा करें। नहीं बहन, खुश रहो, ये मंत्र है ओम श्रीम एम नमः, नौ माला इसकी या तीन माला करिएगा, हमें फोटो आप दे दियो बालाजी को, दोनों लोग ठीक बहन, मेरी बहन ठीक बहन। सीताराम इधर आओ बैठो। कहाँ से आए? पहली बार आए? हाँ हो, चलो बड़ी कृपा करते हैं। ओ अब आते रहे ना, माइक ले लो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम राम सीताराम बोलिए क्या बात। सर हमारा बालक है सर, परेशान हो, क्या हो गया उसको? पैदा मतलब पैदा हुआ उसी से डॉक्टर ने बोला ऑक्सीजन की कमी होने से, चल नहीं पा रहा था, पहले चलने लगा लेकिन अब कोई नहीं था। कोई नहीं, उज्जवल भविष्य बालक का होगा, पूर्ण आराम लगेगा, बेटा की अर्जी स्वीकार है, वाक्य नहीं खुल पाते हैं, वाक्य नहीं खुल पाते हैं, दिमाग में हवा की कमी के कारण उसके पूरे शरीर में दिक्कत बनी है, आराम लगेगा, समय भर लगेगा, आशीर्वाद है। सीताराम जय हो। बालक आया है सर, उसको आशीर्वाद दे दो। ठीक शिवेंद्र, शिवेंद्र चौबे शत्रुघ्न, पहले तो शून्यपन भी था। हाँ शून्यपन पूरे शरीर में, हम्म,
बहुत ज्यादा पूरे घर में, ये हमने तुम्हारे मकान का भी तुम्हारे निकाला, पूरे मकान में लड़ाई बहुत मची हुई है और उपद्रव बहुत मचा है। मैया वाला भी विषय आया है, मैन है आपका बालक का और मैया का, दो अर्जी तुम्हारी विषय मैन है, तो मैया की भी अर्जी स्वीकार है। वो भी बीमार बनी रहती हैं, पूरे शरीर में उनको दिक्कत है, हम उपाय कर देंगे। धाम पर पेशी करो आशीर्वाद। बालक आया सर, उसको तो आशीर्वाद बुला दें। चल, इसके बाद दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी लोग।